हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर कंचन किचन रेसिपी में। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल हलवा की रेसिपी। हलवा तो हर किसी को बनाना आता है और मैं भी दे चुकी हूँ हलवा की रेसिपी, मेरे यूट्यूब चैनल पे है हलवा की रेसिपी। लेकिन वो जो है ऐसे ही है, आप वैसे बना के खा सकते हैं, लेकिन ये व्रत स्पेशल है, नवरात्रि स्पेशल हलवा है। इसको आप जो है नवरात्रि पे बना के खिला सकते हैं कन्याओं को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। तो ये देखिए, हम यहाँ पर ले लिए हैं सूजी। यहाँ पर जो है हम एक कप सूजी लिए हैं और मेजरमेंट का ध्यान रखना है हलवा बनाते समय, तभी अच्छा हलवा बनेगा। वैसे आप अपने घर के किसी भी बर्तन से जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर ले लिए हैं सूजी, बारीक वाला सूजी है ये, ज़्यादा मोटा वाला सूजी नहीं है। तो ये देखिए, जिस चीज़ से जो हम सूजी लिए हैं, देखिए जिस कटोरी से हम सूजी लिए हैं उसी कटोरी से हम लेंगे यहाँ पर तेल या फिर घी। तेल अगर लेते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल लीजिए या फिर घी लीजिए, घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है हलवा और हेल्दी भी होता है। उसके बाद हम चढ़ा दिए गैस पे, देखिए कढ़ाई गर्म होने के लिए, हो गया है कढ़ाई गर्म, तब हम इसमें डाल देंगे घी। ये देखिए, तो ये सारा घी एक ही बार हम नहीं डालेंगे, यहाँ पर जो हम आधा घी इसमें जो है डाल दिए हैं और घी हो गया गर्म, तब हम इसमें डाल दिए हैं सूजी। ये देखिए, तो सूजी को जो हम थोड़ा सा ये देखिए भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो रखिए, लो या फिर मीडियम, नहीं तो ये जल जाएगा और भुनेगा नहीं सही से। सूजी का अच्छे से भुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, अब हम जो है थोड़ा सा एक मिनट भूनने के बाद अब हम थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें घी या फिर तेल। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही हम जो है डालेंगे घी को। तो इसी तरह से जो हम इसको भून लेंगे लो फ्लेम पे सूजी को। अगर हाई फ्लेम पे भूनते हैं ना तो ये जल जाएगा और अच्छे से भुनेगा नहीं। तब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ले लिए ये देखिए बेसन। तो इसमें जो है हम डालेंगे एक चम्मच बेसन, हम एक चम्मच बेसन लिए हैं, बहुत ज़्यादा बेसन हम नहीं लेंगे। ये देखिए, और हम यहाँ पे सूजी को दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल दिए हैं बेसन। बेसन को जो है बहुत ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है, लेकिन सूजी को भूनना पड़ता है, इसीलिए दो मिनट भूनने के बाद हम डाले हैं इसमें बेसन। और देखिए, जैसे जैसे भून रहा है कलर भी चेंज हो रहा है और घी भी देखिए कितना अच्छा इसमें जो है दिख रहा है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि घी बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना घी जो है सही है इसमें। उसके बाद हम इसमें डाल दिए ये देखिए चीनी, और चीनी को भी हम भूनेंगे सूजी के साथ जो है। तो ये देखिए, उसके बाद जो है ये हलवा नया है तो तरीका भी थोड़ा नया है, इसीलिए हम सूजी और बेसन और चीनी सब चीज़ को भूनेंगे। तो चीनी को भी हम लगभग यहाँ पर भूनेंगे जब तक हम पानी नहीं डालेंगे तब तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा सूजी जो है अच्छे से भुन गया है, चीनी सूजी बेसन सब चीज़। उसके बाद हम इसमें डाल दिए हैं पानी। तो जिस कटोरी से हम सूजी लिए हैं उसी कटोरी से हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी जो हम चार गुना डालेंगे, तो यहाँ पर एक कटोरी सूजी लिए थे तो हम यहाँ पर चार कटोरी पानी डाले हैं। ये देखिए, पानी डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे और इसको एक मिनट के लिए हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर पकाएँगे। और आज हम यहाँ पे कुछ अलग तरह से जो डेकोरेट किए हैं, तो आप लोग बताइएगा क्या अलग है इसमें मुझे कमेंट करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो है ढक्कन से ढक दिए थे, तो ढक्कन हटा दिए हैं एक मिनट के बाद। और ये देखिए, घी जो है कितना बढ़िया ऊपर आ गया है और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। बहुत देर नहीं ढकेंगे, बिल्कुल जो है एक ही मिनट ढकना है। और उसके बाद हम इसको जो है हटा के, ढक्कन हटा के इसको भून लेंगे। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम कर देंगे हाई, और हाई फ्लेम पर इसको जो है हम पकाएँगे। और लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें नारियल, और कोई भी हम ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ हम नारियल डाल रहे हैं इस तरह से घिस के। नारियल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवा में। अगर आप चाहे तो इसमें काजू, बादाम, किशमिश, मखाने ये सब भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे तो भुन ही रहे हैं इसको हलवा को। तो देखिए, हमारा हलवा बिल्कुल हो गया है तैयार। अगर आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा गाढ़ा रख सकते हैं इसको। और टोटल जो है सूजी को भूनने में मुझे पानी डालने से पहले 7 से 8 मिनट लगा था। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सूजी पहले अच्छे से भूनना चाहिए। 7 से 8 मिनट का समय लगा था मुझे भूनने में पूरा चीनी सूजी बेसन को। और उसके बाद भी 5 मिनट लगा इसको सुखाने में पूरा अच्छे से। ये देखिए, तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी नवरात्रि स्पेशल
हो गया है हलवा बनके तैयार, तब हम इसको जो है सर्व कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल दानेदार खिला खिला हलवा जो है हमारा हो गया है बनके तैयार। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था पर मैं खा नहीं पाई, क्योंकि मेरा व्रत है और नवरात्रि के 9 दिन में अन्न मैं नहीं खा रही हूँ, इसीलिए। कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिए और खाइएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और यकीन मानिए मेरे बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये हलवा। और बच्चे क्या, हर किसी को, बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आया था ये हलवा की रेसिपी। और मेरा सजेशन तो यही है कि एक बार आप लोग मेरे मेथड से ज़रूर बनाइए हलवा, आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये हलवा की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आए भी क्यों ना, क्योंकि इतना आसान रेसिपी है। तो आप लोग इस नवरात्रि पे मेरी ये हलवा की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को पसंद बेहद पसंद आएगी। और ये देखिए उसके बाद हम यहाँ पर जो है गार्निशिंग कर दिए हैं थोड़े से बादाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, उससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी ये हलवा की रेसिपी, में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि, और आप लोग भी मेरी ये हलवा की रेसिपी ट्राई कीजिए, खाइए, बनाइए और इन्जॉय कीजिए।